हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। 5:30 बज रहे हैं और मम्मा ने हम लोग को उठा दिया क्योंकि आज है रक्षाबंधन। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने टास्क पे काम करते हैं, अपनी रीडिंग कंप्लीट करते हैं क्योंकि ना ये रह जाती है रात तक। तो आज के सेशन में मैंने पढ़ा कि जापान के लोग ज़्यादा टाइम यंग रहने के लिए वो बहुत सारा पानी पीते हैं और बहुत लाइट वेट का खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं। ऐसे छोटी छोटी अपनी दिनचर्या में चेंजेस करके वो अपनी लाइफ सेल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करते जाते हैं। उनके दिन बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और उन्होंने अपने एंगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। मतलब बोलते हैं ना कि इंद्रियां हमारे वश में होनी चाहिए, ना कि हम इंद्रियों के वश में होने चाहिए। तो हम लोग को कभी कभी हो जाता है कि हम लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जापान के लोग अपनी दिनचर्या को चेंज करके, अपने आप को चेंज करके अपने ऊपर काम करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक गांव वहाँ पे ऐसा है जहाँ पे लोगों की एज मतलब मिनिमम 100 तो पार कर ही जाती है हर फैमिली में और वो लोग काफ़ी हैप्पी रहते हैं। तो बहुत मज़ा आती है बुक पढ़ने में। एक तो अदर सिटी के बारे में कंट्री के बारे में पता चलता है और एक नई लाइफस्टाइल की कैसे वैल्यूबल लाइफस्टाइल होती है वो पता चलता है। तो आई जस्ट लव दिस बुक। और नहा धो के मैंने यहाँ पे राखी सजा ली है। ये जो कान्हा जी लिखी है ना, वो कान्हा जी के लिए है और दो राखी कान्हा जी के लिए हैं और दो भैया के लिए है। और ऐसी सजाई है मैंने अपनी पूजा की थाली। और अब बारी है कान्हा जी को न्यू वस्त्र पहनाने की, तो उन्हें ये वाले वस्त्र पहनाए जो कि बहुत प्यारे। इसमें पता है मोर बना हुआ, मैं आपको दूर से दिखाऊंगी, मोर बना हुआ पूरा राउंड करके, बहुत ही ज़्यादा प्यारे से लग रहे हैं। आप बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है रक्षाबंधन, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी वाला रक्षाबंधन। बहुत प्यार से रक्षाबंधन मनाए क्योंकि ये कोई रिलीजन वाला फेस्टिवल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा भाई बहन के बॉन्ड के बीच में है, तो काफ़ी अच्छे से सब लोग सेलिब्रेट करना। और जो स्माइल आज फेस पे आपके राखी बांधते समय है, ऐसी मेंटेन हमेशा साल भर रखना, क्योंकि फेस्टिवल में तो ऑफकोर्स हम लोग अपने भाई बहन की गलतियों को माफ़ करके और एक प्यारी स्माइल लेके हम लोग अपना रक्षाबंधन मनाते हैं, बट हम लोग बाद में बड़े लड़ते झगड़ते और ये चलता रहेगा क्योंकि मेरे और मेरे भाई के बीच में भी ऐसा ही है। और लड़ाई वैसे वाली हम लोग की नहीं होती है, कि बहुत लोगों की बहुत गंदी वाली लड़ाई होती है ना, मेरे और भाई की ऐसी लड़ाई नहीं होती है। बस ये होता है कि वो कुछ हमको बोलेंगे, हम कुछ उनको बोलेंगे, वही चिढ़ाने वाली चीज़ है, वो चीज़ रखना। पर सीरियसली वाली अपने भाई बहन से लड़ाई मत रखना, क्योंकि पेरेंट्स के बाद एक वही होते हैं ना जो आपका लाइफ टाइम तक मतलब साथ रहते हैं। सो यही था आज का मेरा ज्ञान रक्षाबंधन पे। तो अभी तो मैंने भाई को राखी बांध दी बिकॉज़ मुहूर्त का आज था ना कि अर्ली मॉर्निंग राखी बांधनी है, तो राखी वाखी हम लोगों ने बांध दी है। भैया को फ़ोटोज़ थोड़ी बहुत ले ली, मैं आज आपके साथ फ़ोटो भी शेयर करूँगी। अभी कुछ खाया नहीं है क्योंकि राखी बांधनी थी और बहुत सुबह था, तो फिर क्या ही खाते, तो कुछ है नहीं। अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने, मम्मी लोग चाय पियेंगी और मैं आज भी अपने डे पे रहूँगी। आज है 75 हार्ट चैलेंज का 15 डे, 15वां दिन। यार 15वां दिन, आई कॉन्ट बिलीव मैंने कर लिया। मतलब मैं रोज़ अपने आप को ना बहुत ज़्यादा वो कर रही हूँ कि नहीं तुमने कर लिया, क्योंकि जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था ना, मैंने इतनी सारी क्वारीज देखी थी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि नहीं चल पाएगा। बट चैलेंज ही लेना इसीलिए होता है कि आप अपने आप को समझ पाओ, अपने लिमिट को समझ पाओ। सो 15 डे तो बहुत अच्छे से हो गए हैं। आज फेस्टिवल है, बहुत सारी मिठाइयाँ आएंगी, बहुत सारी मिठाई खाई जाएंगी, मेरे कज़न्स खाएंगे और सब खाएंगे। उस बीच में मुझे ना अपने आप को भी स्ट्रांग रखना है, अपनी डाइट को मेंटेन रखना है और प्लस अपने टास्क को भी कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैंने ना अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी थी ना सुबह, तो मैंने अपनी बुक रीडिंग कर ली थी दोस्तों, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। और बॉटल बची हुई है पीने के लिए, अभी एक भी नहीं पिए, भरूंगी और पीऊँगी ध्यान से। तो वो लोग नहीं आते हैं, वो लोग थोड़ा सा लेट आएंगे 12 बजे के बाद तक, आई होप, आई डोंट नो। तो तब तक मैं अपनी 2 बॉटल्स पी लूँगी और हेल्दी ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करूँगी, और जो भी करूँगी आज दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, आपने मेरी मेहंदी नहीं देखी,
कल ये मेहंदी ना मुझे इतना रिग्रेट फील कराया, लाइफ का फर्स्ट टाइम ऐसा था कि ना मुझे मेहंदी लगा के बहुत ज़्यादा रिग्रेटिंग फील हो रहा था। वाई आई कैन डू वाई, मैं मार्केट से आई मेहंदी कोन लेके आई थी और बड़ा मन था गुड़िया से ही कि रक्षाबंधन बहुत अच्छी वाली मेहंदी लगानी है। तो फिर मैंने भाई साहब लगाई यहाँ पे, नैन्सी को लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर मैंने यहाँ पे ऐसी वाली लगा ली। और फिर एक मैंने डिज़ाइन देखी, वो बहुत सुंदर थी, मैंने कहा मैं यही लगाती हूँ, दिस इज। और जब मेरी आधी मेहंदी भरी, मुझे लगा यहाँ टाइम हो रहा 12 बज के, इतना सारा टाइम हो रहा, और मैंने इतनी हैवी वाली मेहंदी उठा ली और आधी लगाते लगाते मैं सोची थी यार मैंने क्यों ये लगा ली, इतना भी मतलब क्या मेहंदी का क्रेज़ कि तुमने पूरी ब्राइडल मेहंदी उठा ली। और फिर लगाते लगाते यहाँ तक आते आते मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि तुमने इतनी बड़ी मेहंदी क्यों ले ली, क्यों ले ली लगाने के लिए। और उस चक्कर में देखो नीचे भी सब मिक्स मैच हो गया, बिकॉज मुझे नींद आ रही थी, तो सब फ्लावर लावर ओ माई माता हो चुकी हैं। देन उसके बाद ना पता है क्या हुआ, ये नैन्सी से मैंने लगवाई कि लगा दो, इसके आगे की डिज़ाइन थी यहाँ तक का, पर मैंने नैन्सी को लगाने नहीं दी कि नहीं अब तुम मत लगाओ, मुझे नींद आ रही तुम मत लगाओ। और इसी चक्कर में उसने आगे भी नहीं लगाई, मतलब आप समझ रहे हो मेरे IQ लेवल, समझ रहे हो, ये हाथ पूरा मतलब फुल भरा हुआ है और ये वाला हाथ मेरे लगाने की हिम्मत ही नहीं की। मैंने उसे बोला कल लगा लेना, प्लीज़ बहन अभी सो जाने दो, नींद लग रही है ये वो। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं सो भी जा रही थी बीच बीच में और वो लगा रही थी, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और नैन्सी कैसी मेहंदी लगाई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चाय बना लें, क्योंकि मम्मा को ना थायराइड खाने के बाद चाय पीने की बहुत ज़्यादा, मतलब चाय पीने की नहीं, बाद ना मम्मी कुछ खाने का मन होता तो चाय बना लेती। सो फ्रेंड, मिड स्नैक में हम लोग ने यहाँ पोमेग्रेनेट एंड एप्पल लिया है और साथ में ली है ग्रीन टी, तो ये मेरा भैया और नैन्सी का ही है। सो फ्रेंड, अब थोड़ा बहुत तैयार हो गए क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं तैयार नहीं होंगी ना तो लोग बोलेंगे यार क्या होगी और बीमार हो क्या, क्योंकि मुझे तैयार होना अच्छा लगता है। और ये है नैन्सी के हेयर, 3 से 4 दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी काफ़ी सही है यार। और मैं ना आज के वीडियो में उस दिन की क्लिप भी शूट डालूंगी जब नैन्सी के फ्रेश हेयर कटे थे। और नैन्सी अपनी ड्रेस दिखाओ, इसे जाओ। वाह, इसने इसके संग वाइट स्नीकर्स भी लिए हैं जो ये पहनेगी बाहर गई, घर में तो ऑफकोर्स नहीं पहनेंगे। और अब तुम्हारी बारी है, तुम मेरा दिखाओगी। कि हर बार मैं सबका कपड़े दिखा देती हूँ पर मेरे कपड़े कोई नहीं देख पाते, इतने धड़ के अलावा कभी कभी मुझे लगता है शर्ट पहन लो नीचे लोअर, काम खत्म। और पता है मैं कभी कभी ऐसा कर भी देती हूँ, मुझे शॉर्ट्स पहन देती हूँ ऊपर टॉप पहनती हूँ और आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। फ्रेंड, दिन के बज रहे हैं 12:30 और पता मुझे कभी कभी ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है भूख की वजह से। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में मैंने इडली की, स्टफ इडली और स्मॉल इडली दोनों की, एक पोर्शनल उसमें। फिर मैंने मिड स्नैक भी ले लिया, फ्रूट्स थे ना वो ढेर सारे जो फ्रूट्स थे वो मेरे, नैन्सी और भैया के थे, तीनों ने फ्रूट्स खा लिया। और अभी बज रहे हैं 12:30 और मुझे फिर से भूख लग रही। मैं किचन में आई ना तो सारी तैयारी हो गई है, वहाँ पे मैदा मड़ा रखा हुआ है, यहाँ पे आटा मड़ा है कचौड़ी का, और यहाँ पे पुलाव बन गए हैं, इसके अंदर छोले हैं और मसाला रखा हुआ है, रायता बन गया है। बट अभी छोले बनने में मुझे इतनी जोर की भूख लगी ना कि मैंने थोड़े से राइस ले लिए, क्योंकि भूख में ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे भूख के टाइम पर कुछ ना कुछ चाहिए ही होता, तो 2-3 बाइट खा लें और फिर खाना बनेगा, फिर खाना होंगे। आप ही खा लो, देखो टेस्ट करके कैसा लग रहा है, सादे राइस है। सो फ्रेंड, घर पे बने थे छोले भटूरे कचौड़ी आलू की सब्जी रायता और हम सबके फेवरेट पुलाव। और मम्मी ने क्या भटूरे बिल्कुल फूले फूले से बनाए थे यार, सच में ना मेरा मन बहुत डगमगा रहा था लेकिन फिर मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया। ये है मेरा खाना, थोड़ी सी आलू भाजी ली है, छोला लिया है, रायता लिए है ज़्यादातर बूंदी हटा के ताकि बूंदी ना खाएं, और लिया है राइस। तो यही है मेरा खाना आज का। बेचारे फूफा जी इतनी देर से शांत बैठे हैं, क्या बोलें, ये इनकी अलग ग्रुपिंग चल रही है, इधर तीन की अलग ग्रुपिंग चल रही है, चिल्ला रहे हैं यहाँ से। हमने यहाँ बैठे साथ में
हम लोग बस सुन रहे हैं। अब सब हम लोग निकल के जाओ, यहाँ खाना वाना खा के छोटी वाली बुआ जा रही हैं अपने घर। आज उनको जल्दी जाना था, यानी उनके पर्सनल रीज़न। और यहाँ पे ना वॉइस में डाल देती, लेकिन इतना शोर था कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ। हर लोग बोल रहे थे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे हम लोग उनको नीचे सी ऑफ करने आए हैं। और बुआ भी सोच रही थी थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन फिर उनको जाना पड़ा। यही लाइफ होती है, काम होते हैं तो करने पड़ते हैं। ऊपर आके मैंने पी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मुझे मेरा टास्क ऐसा दिमाग में भर गया है। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम क्या, अब तो रात हो गई है, 8 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपने इवनिंग वर्कआउट में। क्योंकि आज मैंने ना किसी भी तरह का कोई वर्कआउट नहीं किया, बाकी सारे मेरे टास्क तो सही चल रहे हैं। बस एक बॉटल पानी बची हुई है और वर्कआउट बचा हुआ है, तो मैंने सोचा समय रहते ही ये भी कर लिया जाए, वरना फिर चैलेंज मेरा टूट जाएगा आज ही। और मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं। तो मैं आ गई हूँ अपनी वॉक पे, 45 मिनट की वॉक करूँगी एंड बैक टू होम, एंड 45 मिनट का कार्डियो वर्कआउट करूँगी। सो फटाफट से कर लेते हैं ताकि टाइम से हम लोग घर पहुँच जाए और आज के सारे टास्क हम लोग के कम्प्लीट हो जाए। आज की एक्सरसाइज मुझे अपने किचन में परफॉर्म करनी पड़ रही है, बिकॉज नैन्सी अंदर सो रही थी, लाइट बंद थी, तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मम्मी दादी भैया सब बाहर कमरे में बैठे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो किचन में आ जाते। इसीलिए आज मैंने इंस्टेंट ट्रेनिंग की है, जो कि अच्छा IT होती है, और इसमें फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। और हर एक्सरसाइज के बाद मैं 20 सेकेंड का रेस्ट ले रही थी। और मैंने सारी एक्सरसाइज ऐसी की है ना जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट आए, तो जो भी मैंने की आपको दिखाई है, और जो मैंने लेट के की थी वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ। सो मैंने 5-6 एक्सरसाइज अच्छे से की है और काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग भी हुई है। सो फ्रेंड, 45 मिनट की वॉक प्लस 45 मिनट का होम वर्कआउट हो गया, जो कि इंस्टेंट ट्रेनिंग था, और जिसे मैंने जंपिंग जैक्स किए, माउंटेन क्लाइंब किए, क्रिस क्रॉस किए, जो फास्ट वाले होते हैं वो किया। और लुक इज माई स्वेट, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, क्योंकि पूरा दिन घर पे कुछ ना कुछ रहा। मेरे पता है मेरी ब्रीदिंग इज़ नॉट नॉर्मल, कुछ ना कुछ रहा है, तो बहुत थक भी गए हैं। और आज की मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए, आधी बॉटल पानी बचा है जो कि मैं अभी पी लूँगी। सो गाइज, आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ कल के डे के साथ, फुल एनर्जी के साथ। सो बाय बाय, लव यू ऑल। डिनर में मैंने यही छोले और चावल खाए थे रात में भी, और काफ़ी फुलिंग हो गया था। सो बाय बाय आज का व्लॉग के लिए।